कि आप जो है वो मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ और देन आप पढ़ें। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि बस मुझे मोटिवेशन आए कहीं से आएगी और कहीं से मुझको मैं ऐसे 12-13 घंटे पढ़ लूँगा, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हनान है और वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है मोटिवेशन का। अमूमन मेरे छोटे बहन भाई को ये सवाल होता है कि हम 2 या 3 दिन के लिए पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, और इस सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, जो मोटिवेशन है ना, अगर आप चाहते हैं कि आपको रोज़ मोटिवेशन मिले और आप रोज़ उसी तरह ही पढ़ें जिस तरह आप 2 या 3 दिन के लिए पढ़ते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इंसान की बॉडी जो है ना, वो इतनी ज़्यादा मोटिवेशन जो है ना, वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर सकती। ना इतनी मोटिवेशन किसी ना किसी इंसान को आती है। जो लोग आपकी नज़र के अंदर बहुत पढ़ाई करते हैं या बहुत जो बहुत मेहनती होते हैं, उनके अंदर एक फैक्टर होता है कि उन्होंने अपना एक सिस्टम इनकॉर्पोरेट किया होता है। वो उस सिस्टम से हटते नहीं हैं, जब चाहे वो उस चीज़ को फील कर रहे हों मोटिवेशन को, चाहे वो उस चीज़ को मोटिवेशन को फील ना कर रहे हों। अब हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है? जो हमारा फर्स्ट स्टेप, जो हमारा मोटिवेट मोटिवेशन और हम जो चीज़ बने, तो उसमें हमारी 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ है कि हम एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ना चाहते हैं और उसमें बहुत अच्छे मार्क्स हैं, और दूसरा ये है कि लेकिन हम एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बनना चाहते, या हम एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं, या हम सोचते हैं कि हम एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं। अब ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। एक में हम गोल ओरिएंटेड हैं और एक के अंदर हम प्रोसेस ओरिएंटेड हैं। अगर हम अपनी आइडेंटिटी इस तरह करके बना लेते हैं कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, वेदर के एग्ज़ाम आए या ना आए, तो उसमें हमारा जो पास है, हमारी थिंकिंग हमें उसी डायरेक्शन में लेके जाएगी और पढ़ाई हमारी बहुत ईजी हो जाएगी, क्योंकि फिर हमारे से पढ़ना हमारे दिल के अंदर से लेके। लेकिन हम सोचते ये हैं कि हम बेसिकली एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो एग्ज़ाम के दिनों में मोटिवेशन आएगी और हमें जो है ना वो पढ़ाएगी। अब इसकी एग्जांपल हम इस तरह लेते हैं कि जैसे 2 बंदे स्मोकर हैं, काफ़ी अर्सा स्मोकिंग किया, उनकी हैबिट थी स्मोकिंग करना, अब वो छोड़ना चाहते हैं। उनमें से एक बंदा जो है वो, उसको सिगरेट दी जाती है कि भाई आप सिगरेट पियो, वो कहता है कि नहीं भाई मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और दूसरे बंदे को सिगरेट दी जाती है कि भाई आप ले लो, वो कहता है भाई नहीं मैं सिगरेट नहीं पीता। अब दोनों के अंदर फ़र्क है। फ़र्क ये है कि एक बंदे ने बेशक सालहा साल सिगरेट पी हो, लेकिन उस बंदे ने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली है। उसने कहा है कि मैं अब सिगरेट नहीं पीता, मैं नहीं पीता। लेकिन दूसरे बंदे ने कहा है कि मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि अभी भी वो कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर उसके अंदर आइडेंटिटी यही है कि मैं सिगरेट पीता हूँ, बेसिकली मैं उसे छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दोनों चीज़ें लगती सेम हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं आपस में। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी अपने आप पढ़ाई करना चाहते हैं या आप जिम जाना चाहते हैं, तो अपने सबसे पहले आपको आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप अपने आप को ये समझाएं कि मैं एक हेल्थ अगर मैं स्मार्ट होना चाहता हूँ, या मैं स्किनी होना चाहता हूँ, या मैं ये होना चाहता हूँ, तो आप ये मत सोचें कि अगर आप स्किनी हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, आप दोबारा उसी रूटीन पे आएंगे, आप दोबारा जो है खाना ज़्यादा खाएंगे। क्यों? क्योंकि आप स्किनी हो गए, आपका गोल हो गया। लेकिन अगर आपकी आइडेंटिटी ये है कि मैं एक हेल्दी मैं हूँ, मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाता हूँ, तो फिर आपका गोल जो है वो है सिर्फ और सिर्फ स्किनी होने के लिए या स्मार्ट होने के लिए नहीं रह जाएगा। आपका गोल ये हो जाएगा कि मैंने एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है, और जिसका बाय प्रोडक्ट जो है ना वो स्किनी होगा। अब आप समझ रहे हैं ना कि एक जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर हम बाहर से आ रहे हैं, मतलब हमें एक चीज़ चाहिए, और लेकिन हम आइडेंटिटी चेंज नहीं करते तो वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं हो सकती। लेकिन जब हम एक चीज़ जो है उसमें अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत ज़्यादा सस्टेन हो जाती है। तो अगर आपने हैबिट अपनी पढ़ाई की बनाना चाहते हैं ना, तो मैं सबसे पहले आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप जो है अपनी आइडेंटिटी सबसे पहले आपको चेंज, अपने आप को सोचना पड़ेगा कि आप जो है वो, मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, और देन आप पढ़ें। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि बस मुझे मोटिवेशन आए कहीं से आएगी और कहीं से मुझको मैं ऐसे 12-13 घंटे पढ़ लूँगा, ऐसा कहीं से मोटिवेशन नहीं आने वाली, और अगर 1-2 दिन के लिए भी आएगी, लॉन्ग टर्म के अंदर आपके अंदर सस्टेन नहीं हो सकती। इट्स नॉट बायोलॉजिकल पॉसिबल, यू हैव टू इनकॉर्पोरेट सम सिस्टम, कोई सिस्टम आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। आखिर मैं अपने छोटे बहन भाइयों से कोई एडवाइस करना चाहूँगा कि फॉरगेट द मोटिवेशन, वर्क ऑन द सिस्टम, ऑलवेज वर्क ऑन द सिस्टम। सिस्टम है आपको वो चीज़ डिलीवर करेगा जो आपको मोटिवेशन डिलीवर नहीं कर सकती, ठीक है?
और उस सिस्टम को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, उन हैबिट्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपनी जो है हैबिट्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ेगी। आपको अपने आप को बताना पड़ेगा कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, चाहे एग्ज़ाम है या नहीं है। और जब भी आप अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेंगे तो आपके सिस्टम और आपकी सारी चीज़ें जो आपके लिए पढ़ाई बहुत आसान होगी, आपके लिए पढ़ाई से रिलेटेड बहुत चीज़ें आसान हो जाएगी। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।